ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोगों के लिए राशिफल लेके आई हूँ 14 दिसंबर से 20 दिसंबर 2020 का। सबसे पहले मैं आप लोगों को पंचांग की स्थिति बता दूं। इस सप्ताह में जो राशि रहेगी वो वृश्चिक होगी। तिथि कृष्ण पक्ष की अमावस्या रहेगी। नक्षत्र ज्येष्ठा का पहला चरण रहेगा। योग शूल होगा और कर्ण चतुर्पद। ये पंचांग की स्थिति है। और अभी जो प्लैनेट्स चल रहे हैं, वृषभ में अभी राहु का गोचर है, मकर में गुरु और शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, मंगल अभी मीन राशि में है, सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में आ जाएंगे, केतु बुध और शुक्र जो भी हैं वो वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति है। ये किस तरीके से आपके सप्ताह को प्रभावित कर सकती है, उसके लिए आपको मैं सबसे पहले जो तुला लग्न राशि वाले लोग हैं उनके लिए बताऊंगी। देखिए, तुला वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा ये आपके फैमिली की दृष्टि से, किसी तरह की आय की दृष्टि से काफी सपोर्ट देने का काम कर सकता है। परिवार में कोई शुभता वाला योग, किसी का आना, गैदरिंग, लोगों का मिलना जुलना, इस तरह की संभावना बन सकती है। लेकिन इसी के साथ में एक स्थिति ये भी हो सकती है कि आपके अंदर एक अनावश्यक भय, चिड़चिड़ाहट या एक मेंटल स्ट्रेस से भी आप गुजर सकते हैं जो शुरुआत के 2 दिन रहेंगे। तो उस ओर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और किसी भी तरह का पेपर वर्क वगैरह है या डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई चीजें हैं, कहीं पे साइन करना है, तो उसको आप काफी अच्छे से सोच विचार के ही आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसके लिए वो टाइम इतना फेवरेबल नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर जो सप्ताह का मध्य पीरियड रहेगा ये आपके लिए सपोर्ट देने का काम करेगा। भाग्य का, पिता का आपको पूरी तरीके से सपोर्ट रहेगा। और जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, स्पेशली जो लोग पीएचडी या रिसर्च वगैरह कर रहे हैं या धर्म गुरु हैं या जिनका टूर ट्रेवल्स का बिजनेस है, सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं या प्रिंटिंग प्रेस वगैरह, इस तरह के बिजनेस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनके लिए सप्ताह का मध्य पीरियड काफी सपोर्ट देने का काम करेगा। आपके जो छोटे भाई बहन वगैरह हैं, पड़ोसी हैं, उन लोगों से आपके संबंधों में बहुत मधुरता मिलने के योग बनेंगे। तो सप्ताह का जो मध्य पीरियड है वो आपके लिए काफी सपोर्टिंग रहने के संयोग बन सकते हैं। फिर सप्ताह का जो आखिरी पीरियड रहेगा वहां पे आपको अपने घर के अंदरूनी सुख के प्रति थोड़ा सा सजग होना चाहिए, विशेष रूप से अपनी माता के स्वास्थ्य के प्रति, अपने स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, और माता के साथ में जो आपका तालमेल है, सामंजस्य है, उस ओर थोड़ा आपको संभाल करते हुए चलना चाहिए। क्योंकि वहां पे ऐसी स्थिति बन सकती है कि किसी तरह का अनावश्यक वाद विवाद घर के अंदर निर्मित हो सकता है। हालांकि उसी समय पे जो आपका व्यापार है, आपका प्रोफेशन है, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, वहां से चीजें आपके लिए सपोर्ट में रहने के योग बने हुए हैं। ध्यान देने वाली जो चीज रहेगी वो सिर्फ आपको अपने घर के अंदरूनी सुख के प्रति आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना चाहिए कि किसी तरह घर में कलह या वाद विवाद नहीं निर्मित होने पाए। इसके बाद जो वृश्चिक लग्न और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए सप्ताह का मध्य आपके व्यापार की दृष्टि से, आपके जीवन साथी बिजनेस पार्टनर की दृष्टि से काफी सपोर्टिंग है। कोई ट्रेवल भी देखने को मिल सकती है जो कि आपके व्यापार की दृष्टि से आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। आपके खुद के व्यक्तित्व के द्वारा, आपके प्रेजेंटेशन के द्वारा आप बहुत सी चीजों को अपने पक्ष में करने का भी काम कर सकते हैं। इसके बाद जो सप्ताह का मध्य पीरियड रहेगा वहां पे धन प्राप्ति की स्थितियां निर्मित होंगी। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि उसी टाइम पीरियड में आपके भीतर कोई अनावश्यक डर, भय, चिंता, आक्रोश, इस तरह का भी आपको अपना माइंडसेट देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा आप अपने मेंटल हेल्थ के प्रति केयरफुल रहिएगा और कोई भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड या पेपर वर्क से रिलेटेड जो चीजें होंगी तो उनको थोड़ा केयरफुली देख समझ के तो ही आप उसके लिए आगे बढ़िएगा। उसके बाद जो सप्ताह का आखिरी पीरियड रहेगा वो आपके लिए सपोर्ट देने का काम करेगा। आपके पिता का, भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। विशेष रूप से जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हैं उन लोगों के लिए काफी सपोर्टिंग टाइम होगा। और इस बीच कोई जर्नी भी आपको देखने को मिल सकती है जो कि आपके लिए सपोर्ट देने का काम करेगी, आपके व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं या जिनका टूर ट्रेवल्स का बिजनेस है या जो लोग पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, प्रेस के काम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए टाइम पीरियड काफी अच्छा रहेगा। और आपके अड़ोसी पड़ोसी जो भी आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं उससे संबंधित चीजों के लिए काफी
सहयोगी आपको वातावरण मिल सकता है जो वृश्चिक लग्न और राशि वाले लोग हैं। तो आपके लिए जो ध्यान देने की चीज है, सप्ताह के मध्य पीरियड में डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो चीजें होंगी वहां पे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। फिर धनु वालों की बात करते हैं, तो आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा वहां पे आपको अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, किसी से अनावश्यक वाद विवाद नहीं होने पाए, इसके प्रति आप विशेष रूप से सजग रहें। कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं तो उसको अच्छे से सोच विचार के ही आगे बढ़ें। फिर सप्ताह का जो मध्य पीरियड रहेगा वो आपके लिए लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर की दृष्टि से काफी सपोर्टिंग रहेगा। कोई ऐसी जननी भी हो सकती है जो कि आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए काफी सपोर्ट देने का काम करे, या आपके जीवन साथी के साथ में कोई ट्रेवल, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। ये भी संभावना बन सकती है कि किसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से अगर आप जुड़े हैं तो आपके लिए वो समय जो है सपोर्ट देने का काम कर सकता है। स्पेशली वो लोग जिनका रिटेल बिजनेस है उनकी इनकम में भी एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है सप्ताह के मध्य पीरियड में। इसके बाद जो सप्ताह का आखिरी पीरियड रहेगा वहां पे आपके लिए अचानक धन प्राप्ति की स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। फैमिली में किसी रिलेटिव का या किसी कोई शुभ घटना जैसी चीजें भी आपको वीकेंड में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन उसी के साथ साथ आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा अपने मेंटल हेल्थ को लेकर के, क्योंकि अनावश्यक चिड़चिड़ाहट या एक मेंटल स्ट्रेस जैसी चीज का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, तो उसके प्रति आप थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। और कोई भी पेपर वर्क हो तो उसे काफी अच्छे से समझ करके और देख करके तो ही आप उस पर साइन करिए, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं, तो वहां जो आप डिसीजन करेंगे वो हो सकता है कि सही नहीं जाए, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद मकर लग्न राशि वालों की बात करते हैं, तो आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा ये आपके लिए हर एक तरह से सपोर्टिंग है। विशेष रूप से जो आपका संतान पक्ष है वहां से कोई शुभता भरी चीजें आपको सुनने को या देखने को मिल सकती हैं। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, काउंसलिंग के फील्ड से, और जिनका भी कोई भी क्रिएटिव फील्ड, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए जो लोग हैं उन लोगों के लिए काफी सपोर्टिंग आपको एक टाइम देखने को मिल सकता है। अचानक धन प्राप्ति की स्थितियां भी आपके लिए निर्मित हो सकती हैं। जो आपके बड़े भाई बहन वगैरह हैं, जो आपका क्लोज फ्रेंड सर्कल है, उस ओर से आपको सपोर्ट, हाई अथॉरिटी के लोगों से आपका संबंध बनना या उन लोगों के द्वारा आपकी किसी तरह की मदद, इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। और जो लोग किसी भी तरह के इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं या किसी क्लब वगैरह से जुड़े हुए हैं, चैरिटी के काम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी पीरियड काफी सपोर्टिंग रहेगा जो शुरुआत का समय रहेगा। और साथ ही साथ शेयर मार्केट या जिनका भी जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए भी एक शुभता वाला समय रहेगा जो स्टार्टिंग के 2 दिन रहेंगे, मंडे और ट्यूसडे। फिर जो सप्ताह का मध्य पीरियड रहेगा वहां पे आपको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। विशेष रूप से किसी के साथ में आपका वाद विवाद नहीं होने पाए, इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखिए। कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से समझ करके, देख करके पेपर वगैरह, तो ही आप आगे बढ़ें। उस दृष्टि से समय उतना सपोर्टिंग नहीं है। हालांकि सप्ताह का जो आखिरी पीरियड रहेगा वो आपके व्यापार की दृष्टि से बहुत सपोर्ट देने का योग आपके लिए बना सकता है। आपका जो जीवन साथी है उसके साथ में किसी तरह के अगर वैचारिक मतभेद वगैरह होंगे तो वो भी उस पीरियड में खत्म हो सकते हैं, तो उसका आपको फायदा लेना चाहिए। कोई जर्नी भी आप प्लान कर सकते हैं जो कि आपके व्यापार की दृष्टि से, आपके बिजनेस की दृष्टि से आपके लिए सपोर्ट देने का काम कर सकती है। आप अपने स्वयं के द्वारा भी, अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपने प्रेजेंटेशन के द्वारा आप बहुत सी चीजों को अपने पक्ष में करने का काम कर सकते हैं। तो जो वीकेंड का टाइम है और शुरुआत का टाइम है वो आपके लिए सपोर्ट देने का काम करेगा। सप्ताह का जो मध्य पीरियड रहेगा वहां पर थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए आगे बढ़िएगा। इसके बाद कुंभ वालों की बात करें तो आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है ये आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से काफी अच्छा है। जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं, बिजनेस है, प्रोफेशन है, वो प्लेस से आपको काफी सपोर्ट वाला माहौल देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आपको अपने परिवार के अंदरूनी सुख के प्रति थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, क्योंकि वहां पे उस फील्ड में ये संभावना बन सकती है कि घर के अंदर अनावश्यक वाद विवाद या कलह जैसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। तो आप विशेष रूप से अपने खुद के बिहेवियर का बहुत ध्यान रखिए, अपनी मदर के स्वास्थ्य का, अपने स्वास्थ्य का, और अपनी माता के साथ में जो आपका संबंध है
जो आप जिस तरीके से आप उनसे बातचीत करते हैं उन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि वहां पे एक संभावना बनेगी कि एक वैचारिक मतभेद जैसी स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है। तो फैमिली फ्रेंड पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी। फिर सप्ताह का जो मध्य पीरियड रहेगा वो आपके लिए सपोर्ट देने का काम करेगा, जो आपके बड़े भाई बहन वगैरह हैं या जो भी है अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके बहुत करीबी मित्र हैं, आपके संतान पक्ष है, इन सभी की ओर से आपके लिए शुभता भरा समय मिल सकता है। साथ ही साथ जितने भी क्रिएटिव काम से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी एक सपोर्टिव माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंधों की दृष्टि से वो टाइम पीरियड आपका काफी अच्छा रहेगा। किसी तरह का अगर आप ट्रेड करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, तो ये संभावना बन सकती है कि आपके लिए कहीं से धन लाभ की स्थितियां निर्मित हों। फिर सप्ताह का जो आखिरी टाइम रहेगा वहां पे आपको थोड़ा केयरफुल होकर चलना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थितियां निर्मित हो तो उसको आप अवॉइड करके चलिए, क्योंकि इस तरह की संभावना बन सकती है। इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर आप करने जा रहे हैं तो उसे काफी अच्छे से देख समझ के तो ही आप आगे बढ़ें, क्योंकि वहां पे हो सकता है कि किसी तरह का जो आपका डिसीजन है उसमें कोई मिस्टेक या कुछ डाउट जैसी चीजें भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, तो उसके प्रति आप थोड़ा अवेयर रहिएगा। आपके लिए वीकेंड का जो टाइम है वहां पे आपको सावधानी रखने की जरूरत है, बाकी जो वीक है वो आपके लिए सपोर्ट का ही काम करेगा। फिर मीन वालों की बात करें तो आपके लिए सप्ताह का प्रारंभ बहुत ही अच्छा हो रहा है। आपको भाग्य का, पिता का, इन सभी चीजों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या आप किसी तरह के रिलीजियस इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं तो चीजें आपके लिए फेवर देने का काम करेंगी। छोटे भाई बहन वगैरह, आपका जो नेबर है, नेबर के लोग हैं, उन लोगों के साथ में आपके संबंध काफी मधुर हो सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसके माध्यम से भी चीजें आपके पक्ष में जाने के योग बन सकते हैं, तो इन सारी चीजों का आपको फायदा लेना चाहिए। मार्केटिंग से जुड़े हुए जितने लोग हैं या सेल्स मार्केटिंग, टूर ट्रेवल्स, इन सारी चीजों से जुड़े हुए लोगों के लिए एक सपोर्ट वाला वाली शुरुआत हो सकती है। फिर जो सप्ताह का मध्य पीरियड रहेगा वो आपके लिए कार्यक्षेत्र की दृष्टि से काफी अच्छा रहेगा। जो भी आपका व्यापार है, बिजनेस है, वहां पे चीजें आपके फेवर में जाने का काम करेंगी। लेकिन उसी के साथ में आपको अपने घर के अंदरूनी जो पक्ष है उसके प्रति थोड़ा सा आपको केयरफुल होनी चाहिए कि वहां पे अनावश्यक वाद विवाद नहीं हो, कलह की स्थितियां नहीं हो, क्योंकि एक संभावना बनती है कि परिवार के अंदर किसी तरह का तनावपूर्ण स्थिति भी देखने को मिल सकती है, तो उस ओर आप थोड़ा सा सजग होकर रहेगा। फिर सप्ताह का जो आखिरी टाइम रहेगा वो आपके लिए हर एक तरह से शुभता भरा समय दे सकता है आपको। स्पेशली जो आपका संतान पक्ष है उस हिस्से से आपको कोई शुभता भरा परिणाम देखने या सुनने को मिले, जो आपके बड़े भाई बहन वगैरह हैं या जो भी हायर अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, जो आपका बहुत क्लोज फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों से मिलना जुलना या उनका एक सपोर्ट आपकी लाइफ में, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं या फाइनेंस वगैरह से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी टाइम पीरियड काफी लाभ देने का काम कर सकता है। अचानक धन प्राप्ति की स्थितियां, ट्रेड से जुड़े हुए लोग, शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग, आप सभी के लिए वो समय जो है एक सपोर्ट देने का काम करेगा। तो मीन वालों के लिए लगभग पूरा सप्ताह जो है काफी सपोर्टिंग जा रहा है। आपको जो ध्यान रखने की चीज रहेगी वो सप्ताह के मध्य पीरियड में अपने फैमिली की ओर आप थोड़ा सा केयरफुल होकर रहेगा कि घर के अंदर का जो वातावरण है वो नहीं तनावपूर्ण होने पाए। इस तरीके से ये पूरा वीक जो है आप लोगों को एक संभावना दिखा रहा है कि सप्ताह किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। हालांकि ट्रांजिट के ऊपर बेस्ड प्रेडिक्शन होता है तो आप इनको बहुत ही सामान्य ढंग से लिया करें, क्योंकि जो वास्तविक परिणाम आता है, जो रिजल्ट आता है, आपके खुद के हॉरोस्कोप में जो ग्रहों की स्थिति होती है उसके ऊपर काफी निर्भर करता है। फिर भी प्लैनेट्स जब गोचर में जिस तरीके से चलते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन को, मस्तिष्क को और उसके कार्य करने के तरीके को जरूर प्रभावित करते हैं। तो जहाँ पे सावधानी रखने का टाइम रहता है वहाँ थोड़ा सा केयरफुल होकर के, अलर्ट होकर के उस टाइम पीरियड को निकाल लेना चाहिए, क्योंकि जो प्लैनेट हैं वो अपना कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर दिखाते हैं। और साथ ही मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो और आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और आगे भी मैं आप लोगों के लिए ज्योतिष से संबंधित वीडियोस लेके आऊंगी और
अगर आपको पसंद है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में या जितने भी आपके जान पहचान के लोग हैं उनमें आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे इससे सभी का भला होता है, हित होता है। और आगे मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ लेके आऊंगी ज्योतिष से संबंधित। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।